एनजी वेल्थ कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा, सुना भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है एक लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एक कंपनी है एशिया की लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर भी हम बात करें एट प्रेजेंट पर 39,000 जो है डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और 1500 से ज्यादा एम्प्लॉइज इस कंपनी के हैं और इंडिया में 95 से ज्यादा सिटीज में इस कंपनी के ऑफिस है। और वही अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 90,000 करोड़ रुपए का एयूएम है जो इस टाइम एनजे वेल्थ कंपनी की तरफ से जाता है, तो जैसा कि आपको भी पता है कि किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से इंश्योरेंस हो, एफडीज हो, स्टॉक्स हो, तो उसके जो बीच में एक एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ब्रोकर होता है, उनका बहुत ही जो है मेन काम होता है क्लाइंट्स को समझाने में, क्लाइंट्स का पैसा लगवाने में। तो ऐसे में जो कंपनी का एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है 39,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो इस कारण है जो कंपनी इस टाइम टोटल 90,000 करोड़ ईवीएम है जो इस टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनजे वेल्थ की तरफ से है। तो अभी कुछ टाइम पहले, एक साल पहले जो है एनजे वेल्थ कंपनी की तरफ से जो म्यूचुअल फंड का लाइसेंस अप्लाई किया गया था, सेबी को एप्लीकेशन है जो सबमिट की गई थी, तो जो सेबी की तरफ से भी पिछले लास्ट अप्रैल महीने में जो है सेबी के द्वारा जो है एनजे वेल्थ कंपनी को लाइसेंस दे दिया गया है। यानी कि एनजे वेल्थ कंपनी है जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट करती थी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, खासतौर पर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को, अब उस कंपनी के भी जो है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जो मार्केट में आ जाएंगी जल्दी ही, जो फंड हाउस की तरफ से जो है मार्केट में स्कीम्स जो फंड हाउस की आ जाएंगी, क्योंकि जो सेबी की तरफ से लाइसेंस जो है म्यूचुअल फंड हाउस को मिल गया है कि जो अपनी स्कीम्स को वो मार्केट में रन कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 39,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस टाइम कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर एनजे वेल्थ कंपनी के म्यूचुअल फंड्स भी आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में भी जरूर इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो जो है काफी अच्छी कंपनी है जो एनजे वेल्थ एएमसी जो है अच्छा एक एसेट अंडर मैनेजमेंट लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकती है। और आपको बता दें कि सेबी की तरफ से लाइसेंस मिलने के बाद है जो एनजे वेल्थ एएमसी की तरफ से जो है सबमिट कर दी गई है दो फंड की एप्लीकेशन है जो सेबी को सबमिट कर दी गई है। पहला फंड है जो एनजे डायनेमिक एसेट एलोकेशन और दूसरा फंड है जो एनजे फ्लेक्सी कैप फंड को जो है फंड मार्केट में लाने की जो एप्लीकेशन सेबी को सबमिट कर दी गई है। तो सेबी के अप्रूवल मिलने के बाद है जो वो मार्केट में लॉन्च की जाएगी फंड हाउस की तरफ से स्कीम। तो फ्लेक्सी कैप फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन यानी कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दोनों ही फंड की जो कैटेगरी है काफी पॉपुलर है मार्केट में। फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आप सबको पता होगा कि लार्ज कैप के बाद है जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो फ्लेक्सी कैप फंड की स्कीम्स में ही हुई है, और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी काफी फेमस अपनी कैटेगरी में है। और अभी कुछ टाइम पहले ही जो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड हाउस भी दिसंबर 2020 में उनके भी म्यूचुअल फंड जो मार्केट में आने लगे थे, सेबी की तरफ से लाइसेंस काफी टाइम से मिला हुआ था, तो जो है उनके भी स्कीम्स मार्केट में आने लगी। उनकी जो है उन्होंने अपने डेट सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया कि डेट स्कीम्स जो मार्केट में वो एमएफ हाउस की तरफ से लाई जाएंगी। और अभी आपको पता होगा कि ग्रो एप्लीकेशन जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने भी जो है उस कंपनी ने भी इंडिया बुल्स एएमसी के बिजनेस को एक्वायर करने की डील की है 175 करोड़ में, पर अभी तक सेबी की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। जब सेबी की तरफ से मंजूरी मिलेगी तभी जो है ग्रो कंप्लीटली एक्वाइजेशन कर पाएगी इंडिया बुल्स एएमसी की तरफ से। और अभी जो कल न्यूज आई थी कि येस बैंक का भी जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो भी एक फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो सेल कर देगी उसको, और जो सीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि येस बैंक जो है अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को सेल कर सकती है। तो जल्दी ही काफी जो चेंजेस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फंड हाउस में देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स एएमसी अपना बिजनेस क्यों सेल कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है, वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि क्यों जो है ग्रो इंडिया बुल्स एएमसी के बिजनेस को एक्वायर कर रही है और क्यों इंडिया बुल्स एएमसी है जो अपने बिजनेस को म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेल करना चाहती है। राजीव शास्त्री जी को एनजे एएमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो उनका जो कहना है कि वो जो अपनी फंड्स की स्कीम्स जो होंगी फंड हाउस की वो डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करेंगे, और काफी डिफरेंशिएशन है मार्केट में जो ऑलरेडी फंड्स हैं उनसे डिफरेंशिएशन जो है प्रोवाइड करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को जो निवेशक इन म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स में निवेश करेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको भी पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रस्ट म्यूचुअल फंड हाउस भी जो मार्केट में न्यूली अपनी दो स्कीम्स मार्केट में लाए, और अभी कुछ टाइम पहले ही नियर अबाउट 1 वीक पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को ग्रो को सेल करने की डील की, और फिर येस बैंक भी अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस से एग्जिट होना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस को जो है सेल कर दिया है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। तो और
उधर से जो है एनजे वेल्थ को लाइसेंस मिल गया है कि अपने म्यूचुअल फंड मार्केट में ला सकते हैं। तो ऐसा आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो जो है अच्छी अच्छी कंपनी देखें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी एक अच्छी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और येस बैंक भी एक बैंक है काफी अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम। उनका ज्यादा बिजनेस फोकस नहीं था म्यूचुअल फंड बिजनेस पर, और इंडिया बुल्स के हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनका भी कहना था कि वो अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेल करके जो है AIF जो रियल एस्टेट होगा बिजनेस होगा उस पर जो है ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए वो अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस से एग्जिट होना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के तरफ से अभी तक जो है दो स्कीम्स ही मार्केट में आई हैं, और उस फंड हाउस का अभी तक जो है टोटल AUM एक दो स्कीम्स में ही 1000 करोड़ रुपए के नियर अबाउट हो गया है। तो क्वेश्चन अब ये है कि जो एनजे वेल्थ अपनी म्यूचुअल फंड मार्केट में लाएगी तो क्या अच्छा रिस्पांस है जो म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स को मिलेगा, निवेशक है जो वो निवेश करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए जो कंपनी है एनजे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसकी कंपनी स्पॉन्सर है वो है एनजे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी की AMC की स्पॉन्सर रहेगी। और जो एनजे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जो कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, और 95,000 करोड़ रुपए के आसपास है जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इस टाइम कंपनी का है। तो ऐसे में एक अच्छा रिस्पांस है जो एनजे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को मिल सकता है मेरे व्यू से। बाकी जैसे स्कीम्स मार्केट में आएंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसी परफॉर्मेंस करेंगी, इन्वेस्टर्स की क्या राय रहती है, क्या व्यू रहता है, उसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी हमारे व्यू से ये लगता है कि जो एनजे म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स होंगी उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स है जो मार्केट में मिलेगा, और आने वाले टाइम में जो है एनजे म्यूचुअल फंड हाउस का भी एक अच्छा खासा जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा। तो चलिए जब भी कोई स्कीम मार्केट में लॉन्च होने की बात होती है, कोई न्यूज आती है, उसके बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी स्कीम आएगी मार्केट में वो होगी या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों स्कीम्स में ही किसी दो स्कीम्स में एक फंड को जो है लॉन्च किया जाएगा, तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे जब भी कोई ऐसी न्यूज मार्केट में आती है। और अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।